हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का पार्ट नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सवालों का शहर। सवालों का शहर, उसके सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, फिर हम पाठ पढ़ेंगे। बाल नोचना, बाल नोचना क्या होता है? बहुत सोचना। हुजूम, हुजूम क्या हो गया? भीड़। खुशहाल, खुशहाल का अर्थ होता है सुखी। पाठ के बारे में क्या लिखा है? ये कहानी एक सवालों के शहर की है, जिसमें रहने वाले सभी लोग दिन रात सवाल पूछते और उनके उत्तर ढूंढते हैं। सवालों के इस शहर में एक छोटी सी बच्ची मीनू भी है। उसने एक ऐसे सवाल का उत्तर ढूंढा जो बड़े बड़े भी नहीं सोच पाए। पढ़ते हैं क्या ऐसा सवाल ढूंढा था जो बड़े भी नहीं सोच पाए। ये कहानी है एक खास जगह की। वहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे। वे सवालों का शहर था। कैसे? कि किसी सवाल के आते ही लोग उसका जवाब पाने में जुट जाते, कोई सवाल छूट ना पाता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा सवाल आया जिसने सब कुछ बदल डाला। लोग लगे अपने अपने बाल नोचने, बाल नोचने लगे मतलब बहुत सोचने लगे। बहुत सिर खुजलाया पर कुछ ना सूझा। हुआ ये कि राजा के राजकुमार अप्पू को नाश्ता खिलाने में लगे थे। इधर अप्पू मज़ेदार नाश्ता गड़पने में लगे थे और उधर राजकुमार के दिमाग में एक सवाल आया। अब क्या सवाल आया? कि कितना वज़न होगा अप्पू का? फिर उसने सबसे अपना सवाल पूछा। सभी हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि क्या करें, कैसे करें। ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। जल्दी ही ये सवाल पहुंचने लगा राजदरबार में, घरों, सड़कों, खेतों और मैदानों में, और सबसे खास लोगों के दिमागों में। तौल मशीन पर खड़ा करके ये एक प्रश्न है। तौल मशीन पर खड़ा करके वे अप्पू का वज़न क्यों नहीं ले लेते? क्या तराजू नहीं था उनके पास? अच्छा, बड़ा सिर खपाया उन्होंने। बड़ा सिर खपाया मतलब बहुत सोचा। वे ऐसे लोग ना थे कि जल्दी ही हार मान लेते, इसलिए खास तराजू बनाए गए। किसके लिए? अप्पू का वज़न करने के लिए। कुछ तो अप्पू के लिए छोटे पड़ गए और कुछ अप्पू के आकार को देखते ही चकरा गए कि हम कैसे काम करें, और कुछ अप्पू के एक पैर रखते ही टूट गए। अब ये अप्पू कौन था आगे पढ़कर हमें पता चलेगा। ये बात तो हो रही है एक हाथी की। अप्पू कौन? एक हाथी है जिसका नाम अप्पू था। और हाथी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, खुशहाल राज का खाता पीता हाथी था। सवाल सभी को हैरान किए था। इतने में एक छोटी सी बच्ची मीनू को एक उपाय सूझा और वे चल दी राजदरबार की ओर। राजा ने सुना और सोचा और आदेश दिया कि जो ये कहती है वे करके ज़रूर देखें। अब देखते हैं कि इसने क्या कहा था। हाथी तुले ना तुले, कम से कम इस बच्ची की हिम्मत और हौसले को तो परखना ही चाहिए। सभी चल दिए नदी की ओर। मीनू, राजा, राजकुमार, दरबारी, अप्पू और पीछे पीछे लोगों का हुजूम। हुजूम मतलब लोगों की भीड़। फिर क्या हुआ? अप्पू को एक नाव में खड़ा किया गया। देखते देखते नाव डूबने लगी और जब डूबना और ना हुआ तो मीनू ने वहाँ निशान लगा दिया जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी। अप्पू को नाव से उतारा गया। नाव में फिर पत्थर रखे गए और नाव पानी में डूबने लगी और जब पानी नाव पर लगे निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस अब और पत्थर ना रखे जाएं। इसके बाद नाव में रखे पत्थर तोले गए। उसका जितना वज़न निकाला उतना ही अप्पू का वज़न था। पता है अप्पू का वज़न कितना था? 5000 किलो। कितना था? 5000 किलो। पूरे 5000 किलो अप्पू का वज़न था। तो देखो, एक छोटी सी बच्ची ने अपना दिमाग लगाया और कैसे अप्पू का
वजन किया। धन्यवाद।